بسم الله الرحمن الرحيم أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد النبي وعلى آله واللعنة الله على عداء مجمعين من الجن والإنس من الأولين والآخرين وعجل اللهم ما فرجه مولانا صاحب الزمان

वारिस जनाबे शाम बिन्नू और दूसरे लोगों को बता कर गए थे कि नाम के नबी आएंगे उनका इंतजार करना लोग जनाब नू के बाद दौर दौर बाय गुजरता गया लोग जनाबे हूद का इंतजार कर रहे थे लेकिन जब काफी टाइम हो गया और जनाबे हूद पैदा नहीं हुए तो कई लोग जो है उम्मीद उन्होंने छोड़ दी और वो जो है अल्लाह के रास्ते छोड़कर गैर खुदा की इबादत करने लगे अब यहां हमें लेसन मिलता है कि हम जब हज़रत शरीफ का इंतजार कर रहे हैं तो हमें उम्मीद नहीं छोड़नी चाहिए हमें हमेशा ये उम्मीद रखनी चाहिए कि और ये यकीन रखना चाहिए कि इमाम जमान आएंगे और उनके आने से हम सब की निजात होगी अब जब जनाब हूद आए तो कई लोग जो है उन पर ईमान नहीं लाए लेकिन जो साम बिन नू की जो लिनियज थी उसमें से कई लोगों ने उनको पता था कि जनाब हूद आएंगे और उन्होंने जनाब हूद को पहचाना और उनको फॉलो किया जनाब हूद खुद जनाब साम बिन्नू की जो लाइन थी उनके जो डिसेंडेंट्स थे उसमें से थे अब जनाब साम बिन्नू की लिनियत के कुछ लोगों ने जनाब हूद पर माना लेकिन कई दूसरे लोगों ने जनाब हूद पर ईमान नहीं लाए उन्होंने जनाब हूद को बहुत टॉर्चर किया जनाब हूद जिस कम्युनिटी में अल्लाह ने उनको तबलीग के लिए भेजा था उसका उस कम्युनिटी का नाम था कौम आद जो कुरने मजीद में मौजूद है और कौम आद जो थी वो एहकाफ नाम की जगह पर रहती थी ये लोग झाड़ के जितने मतलब जो खजूर का झाड़ है कितना लंबा होता है इतने ऊंचे ऊंचे थे रवायतों मैं में मैंशनड है और बहुत पावरफुल थे और इनकी एज फोर हंड्रेड ईयर्स तक जो है जाया करती थी अब जब इन लोगों ने नहीं माना और जनाब हूद ने बहुत जो है उनको तबलीग की लेकिन कई सालों तक तबलीग के बाद भी ये लोग नहीं माने और ये लोग जनाब जनाबहद को बहुत टॉर्चर करते थे बहुत सताते थे तब अलैहिस्सलाम ने जो है अल्लाह से दुआ की कि अल्लाह इन पर अजाब नाजिल करे अब जब जनाबे हुद ने ये कहा तो अल्लाह ने तीन दिन तक जो है उन लोगों पर बारिश नहीं की फिर भी ये लोग इतने एडमिन थे इतने मगरूर थे कि ये लोगों ने कहा कि हम जो है अजाब सह लेंगे लेकिन हम जो है तुम पर ईमान नहीं लाएंगे जब यह सुना तब जनाब अलैहिस्सलाम ने दुआ की कि अल्लाह इन लोगों को नीसो नाबूद कर दे इनको खत्म कर दे तब अल्लाह ने जनाब हूद से कहा कि आप और आपके फॉलोअर्स जो है यहाँ से निकल जाए इस एरिया से निकल जाए क्योंकि जब अजाब आएगा तो वो सबको अपनी चपेट में ले लेगा सबको जो है आ, सब पर अजाब आ जाएगा इसीलिए जनाब हूद और उनके जो फॉलोअर्स थे जो उनके मानने वाले थे वो लोग जो है शहर आज से कौम आज से निकल गए मक्के की तरफ चले गए और वहां रहने लगे उसके बाद अल्लाह ने आठ दिन एंड सेवन नाइट्स सेवन नाइट्स एट डेज तक अकीन नाम की एक हवा चलाई जो अजाब की हवा थी और ऐसी तेज हवा चली ऐसी अजाब की हवा चली कि सब के सब जितने अल्लाह में नहीं मानने वाले थे वो सब के सब जो है नीस तो नाबूद हो गए खत्म हो गए और जना और नबी खुदा ने जो उनके लिए लानत की थी वो लानत जो है उन पर नाजिल हुई और वो सब के सब बर्बाद हो गए बनी अब्बास के टाइम कई एक्सप्लोरेशन हुए कुएं खोदे गए तब जो है कुछ ऐसी चीजें मिली कि जिससे प्रूव हुआ कि आज जो है आज भी मौजूद है जमीन के नीचे जो उनके अजाब जो उन पर नाजिल हुआ था अब जनाब मक्के में ही थे उनको वहां दफन किया गया लेकिन जिस तरह जनाब आदम के बारे में कि उनकी कब्र को निकाल कर फिर से उन्हें जो है नजफ अशरफ में दफन किया गया था अमीर उलमिन के पास उसी तरह जनाब हूद के बारे में रिवायतें मौजूद है जनाब हूद को जो है फिर से जो है नजव ए अशरफ में, में वादीस सलाम में जो है दफन किया गया था इंशाल्लाह कल फिर मुलाकात करेंगे एक नए नबी की स्टोरी के साथ जो है प्रॉफिट साले अलैहि एपिसोड नंबर सिक्स में नबियों को जानो सीरीज के फाइव मिनट्स एट फाइव पीएम वा आखिरु दावना अनिल हमदुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन और मुहम्मद वाल मुहम्मद सलावत اللهم صل على محمد و محمد وعجل فرجهم